तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एल्विश यादव, फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस के विनर, 3 नवंबर को एक खबर आने के साथ ही वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब लोगों ने उनके साथ ध्रुव राठी का नाम भी खींच लिया है। दरअसल सांपों की तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया। बिग बॉस विनर एल्विश यादव का नाम बढ़ चढ़ कर चला। उनके साथ 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। इसी मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम भी खींच लिया गया। मूल खबर पर लौटे तो पकड़े गए लोगों के पास 9 जहर वाले सांप रेस्क्यू और सांपों वाला जहर बरामद किया गया है। आरोप है कि एल्विश यादव अपने गैंग के साथ रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बाकी इसमें ये जो पूरी जानकारी जुटाई है वो आपके लिए जुटाई है हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बहुत सारे मीम चल रहे हैं। वजह है उनका पुराना झगड़ा। जैसे ये मीम देखिए, जिसमें एक यूजर ने ध्रुव की एक फोटो लगाते हुए लिखा है, हाँ भाई आ गया स्वाद। इस तरह की वायरल मीम्स से सोशल मीडिया अटा पड़ा है। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि एल्विश केस में लोगों ने ध्रुव राठी को क्यों खींचा है। ये सब आपको पूर्व के कुछ सोशल मीडियाई घटनाओं से पूरा समझ आ जाएगा। अव्वल तो ये कि विचारधारा के हिसाब से दोनों जने अलग अलग छोरों पर खड़े दिखते हैं। इसी साल जुलाई में ऐसी अफवाह उड़ी थी कि ध्रुव राठी बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि ध्रुव राठी ने बाद में वीडियो बनाकर इस दावे को झूठा बताया था कि ना तो उनसे इस सिलसिले में कुछ पूछा गया है ना उन्होंने किसी को इस बारे में कुछ कहा है। 27 जुलाई 2023 को ध्रुव राठी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने एल्विश यादव को भी रोस्ट किया था। बेसिकली ध्रुव ने एल्विश के पुराने वीडियोज में उनकी कही बातों और अभी प्रेजेंट के उनके एक्शंस में तुलना करते हुए उनके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाया था। जैसे अपनी एक पुरानी वीडियो में एल्विश कहते हैं, हमारे देश में कितने विल्ले माने खाली लोग हैं जिन्हें ऐसी मूवीज देखने में मजा आता है जैसे सलमान भाई की मूवीज हैं। इस पर ध्रुव ने सवाल उठाया था कि अब एल्विश खुद क्यों बिग बॉस के घर में खड़े हैं। जानकारी में थोड़ा इजाफा करते हुए बता दें कि बिग बॉस को सलमान खान होस्ट करते हैं। हालांकि ध्रुव और एल्विश का यह झगड़ा पुराना है। 2 साल पहले जब 2021 में ध्रुव राठी ने जब कुछ यूट्यूबर्स को गोदी यूट्यूबर्स कहा था तो एल्विश ने ध्रुव का एक एक्सपोजे वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डिक्शनरी में से नीच वर्ड निकालकर उसे ध्रुव राठी से रिप्लेस कर दें। इसके अलावा भी बहुत सी बातें कही गई थी जो सभ्य प्लेटफॉर्म पर बताई नहीं जा सकती। उनके चैनल की बात अलग है। इसी तरह एक झगड़ा मई 2023 में भी हुआ था जब द केरला स्टोरी फिल्म आई थी और ध्रुव राठी ने उस पर एक वीडियो बनाया था। ध्रुव के इस वीडियो पर एल्विश ने आलोचना की थी। इसके बाद ध्रुव ने एक रिप्लाई वीडियो बनाते हुए कहा था कि इनका नाम तो सिद्धार्थ था जो गौतम बुद्ध का भी नाम था, फिर ये इंग्लिश नाम क्यों लिया। हो सकता है ये शर्मिंदगी की वजह से किया हो क्योंकि कई लोगों को अपना कल्चरल नाम लेने में शर्म आती है। उन्होंने एल्विश का पुराना कंटेंट निकालते हुए महिलाओं के प्रति उनकी अभद्र टिप्पणियों पर उनसे सवाल किए थे। बोला था एल्विश का यूट्यूब चैनल इस तरह की मिसोजिनिस्टिक क्रिंज से भरा पड़ा है, माने घटिया महिला विरोधी बातें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि एल्विश व्यूज पाने के लिए घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब पुराने टंटे झगड़े की वजह से ध्रुव और एल्विश फिर से ट्रेंड हो रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हैं रवि, मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।